आइएगा दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटैसी दूरदर्शन पे इस वीडियो में बात करेंगे हम बेसबॉल सेक्शन के एक बड़े मुकाबले के बारे में एक शानदार मुकाबले के बारे में मेजर लीग बेसबॉल का जे मुकाबला न्यूयॉर्क जैंकिस और फिलिपिस के बीच में खेला जाएगा दोस्तों जे मुकाबला वन साइड होने वाला है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज दोस्तों न्यूयॉर्क की टीम है जो काफी स्ट्रॉन्ग टीम आ जाती है स्टैंडिंग हिसाब से नंबर वन की टीम आ जाती है अपने ग्रुप में और फिलिपिस की बात किया तो जे टीम दोस्तों लास्ट नंबर पाँच पे आ जाती है अपने ग्रुप में काफी अंतराल है दोनों टीमों में न्यूयॉर्क की टीम का बात किया जाए हमेशा लीड में रहती है अभी तक नौ मुकाबला खेला है में जिसमें आठ विन कर चुके हैं मात्र एक मैच ही लॉस्ट किया जिसके चलते टॉप की टीम आ जाती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग एट के बारे में इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लेयर है जो आपके लिए अच्छा बेनिफिट दे सकता है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों को अपन लोग कवर करेगा बो मेरा मेन फोकस है वो मेगा लीग पर रहेगा जहाँ पे मुझे लगता है जो मेगा लीग अभी डिसाइड नहीं किया लगभग एक लाख की मेगा लीग पक्की होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी लीक को ज्वाइन करोगे उसमें जो आपके है वो हंड्रेड परसेंट पक्की होने वाली है तो चलिए दोस्तों देखना करते वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में डीपली जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको क्या करना है लिंक ओके करना है आप सीधा पहुंच जाओगे मेरे फैंटेसी दूरदर्शन ऑफिशियल पेज पर वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा आपको बता दूँ कि ये प्राइवेट चैनल है तो आपको सर्च में ये चैनल नहीं मिलने वाले आपको लिंक को ही ओपन करना पड़ेगा आपको बता दूँ ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है इसका कोई भी चें चार्जेस आपको नहीं देना है मैं जहाँ पे आपको बता दूँ कि डेली का दस से लेकर बीस अर्न करता हूँ तो आप भी मेरे साथ अर्न कर सकते हैं अगर आप हमेशा टेलीग्राम हो टेलीग्राम के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर होता है मैं होने से पहले तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो टीम में आपको दूंगा वो खुद भी बोरी लगाऊंगा और एक बात और आपको बता दूं कि जहाँ पे टेलीग्राम पे आप क्रिकेट के अलावा बेसबॉल फुटबॉल और हॉकी सभी तरह की दोस्तों लगभग आप वीडियो के साथ साथ दोस्तों टीम्स भी पा लेते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलने वाला है जहाँ पे मैं क्रिकेट की लाइन आपसे पहले ही आपको दे देता हूँ जिसके चलते आपको कोई भी टीम बनाना आसान रहता है और बैटिंग ऑर्डर भी आपको बता देता हूँ इसके अलावा दोस्तों आप जहाँ पे देख सकते हैं मैं काफ़ी न्यूज़ जैसे कि अपडेट्स आती हैं क्रिकेट के बारे में वो भी आपको बताता रहता हूँ जिसके चलते आपको आसानी रहती है और प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी आपको पहले दे देता हूँ मैं शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट भी दे देता हूँ ताकि दोस्तों आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सके तो दोस्तों देरी ना करते हुए मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जहाँ पे आउटफील्डर सेक्शन में से पे हमारे पास ऑप्शन रहेगी हम दो से लेके पांच आउटफील्डर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं तो जहां पे फिटर कर लेते हैं ताकि आपको जानना आसान रहे तो दोस्तों पहले जानते हैं जहां पे एनई की टीम के बारे में इस टीम में आपको एज ए आउटफील्डर स्टेट ऑन खेलते नजर आएंगे अरुण जाजर और अरुण हेक्स दोनों खेलेंगे इनके अलावा दोस्तों एम टचमैन खेलते नजर आएंगे बाकी के प्लेयर के खेलने के चांसेस नहीं है जिन जिन जिनों बाइने लगा रखा है तो ड्रॉप कीजिएगा तो बात करेंगे जहाँ पे पहली ऑप्शन के बारे में स्टेन एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीन मुकाबला में एक होम रन इसके अलावा एक सिंगल लगा चुके है, तो हैं तो बढ़िया पैकअप रहेगी यही रीजन है कि इनकी जो तो सिलेक्टेट है काफ़ी इंक्रीज़ हुई है डे बाय डे और दोस्तों कैड के हिसाब से जरूर महंगे पड़ने वाले हैं बट आउट फील्डर में इस प्लेयर को आप ड्रॉप करने की गलती मच कीजिएगा अरुण फिच भी किसी से कम नहीं है अरुण जज भी किसी से कम नहीं है एक लास्ट मुकाबला में दो होम रन लगा चुके हैं इसके अलावा एक डबल और एक सिंगल भी लगा चुके हैं तो अच्छे पिकअप रहने वाली है दोनों के साथ जाना एक समझदार की बात रहेगी अरुण हेक्च और टॉचमैन दोनों में से किसी एक को आप ट्राई कर लीजिएगा वो भी तब जब आप रिस्की टीम बनाते हैं वरना हेड टू हेड के लिए जहां पे अरुण जज और स्टे टॉन को ही आप ट्राई कीजिएगा तो अब बात करते डालते हैं नजर एक फिलिज टीम पे तो फिलिज टीम का बात किया है, तो जहां पे बी पर एक बढ़िया पेकअप रहेगी रहे दोस्तों लास्ट फाइव मुकाबला जितने इन्होंने फाइव मुकाबले खेले उसमें दो बार दोस्तों होम रन लगा चुके हैं इसके अलावा बढ़िया पेकअप रहेगी दोस्तों हमें सिंगल और डबल के चलते भी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं तो हारपर के साथ मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ तो बात किया जाए इस टीम के लिए आपको दोस्तों जहाँ पे हैसले खेलते मिल सकते हैं और गार्लिक के खेलने के चांस रहेंगे मैकोनी भी हमें खेलते मिल सकते हैं तो दोस्तों दोनों में से आप जहाँ पे हैसले और गार्ले को दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लीजिएगा दोनों को सेम टीम में ट्राई मत कीजिएगा तो अब बात करते हैं जहाँ पे इन्फेटर के बारे में न्यूयॉर्क जैंकिस की टीम में पहले मैं तीन प्लेयर को पिकअप करने वाला हूँ जिनमें लेमेरू का नाम आता है वोल्ट का नाम आता है इनके अलावा और शशेला आ जाते हैं जहाँ पे लेरू एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि लास्ट तीन मुकाबला में एक होम रन लगा चुके हैं बॉलेट ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि तीन मुकाबला में दो होम रन लगा चुके हैं और ऑर्शेला ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो एक होम रन के साथ दोस्तों दो बार तो दो सिंगल और एक डबल लगा चुके हैं तो तीनों के साथ जाना एक समयदार की बात रहेगी अगर आप चौथी ऑप्शन जहाँ पे ढूंढते हो इनफील्डर में तो टॉरस को आप ट्राई कर सकते हैं इनके अलावा दोस्तों टी वेड और एम फोर्ड के खेलने के चांसेस नहीं है इन्हें भी आप ड्रॉप कीजिएगा बाकी दोस्तों अगर हैं तो इसे आप लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं वरना इनके खेलने के चांसेस जो कम रहेंगे तो दोस्तों जहां पर मैं तीनों के साथ जाने वाला हूं तो अब बात करते हैं फिलीस टीम के बारे में बाकी दोस्तों आपको मैं पूरी टीम लास्ट में दिखा दूंगा आप कंफ्यूज मत होइएगा तो दोस्तों जहां पे एन वर्कर के साथ मैं जाने वाला हूं कम अकेडमिक अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं स्लेक्टेड एवरेज जा आ जाती है तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए आप इस प्लेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर दोस्तों जहां पे एन वॉकर को आप ट्राई कर ड्रॉप करते हैं तो जहां पे हॉर्क्स को ट्राई कर सकते हैं हॉनेक्स एक मात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि लास्ट दो हजार उन्नीस में दोस्तों काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक में टॉप फाइव प्लेयर में इनका नाम शामिल था तो दोस्तों जहां पे एज ए एनफील्डर हॉर्नेक्स भी एक बढ़िया पेअप रह सकती है और एन वार्कर को आप ड्रॉप करते हैं हॉनक्स क्या है कि दोस्तों आपकी जो अगर आप इस प्लेयर को लगाते तो आपके अब क्रेडिट हैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जरूर होने वाले हैं क्रेडिट शेप करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप ऑनिस को ट्राई करते हैं बड़े प्लेयर आपको जो ड्रॉप करने पड़ेंगे तो बात करते हैं जहाँ पे पिक्चर के बारे में पिक्चर में दोस्तों जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि ये कभी हम दोस्तों किसी एक पिक्चर को अपनी टीम में लगा सकते हैं जहाँ पर मैंने व्हीलर को ट्राई किया है व्हीलर एक बढ़िया पे का काफ़ी सारी बॉले हैं तो दोस्तों डॉट करा देते हैं यही रीजन है कि जहाँ पर मैं व्हीलर के साथ जाने वाला हूँ जे हमें इनर पिक्चर और दोस्तों जहाँ पर आपको बता दूँ कि स्ट्राइक आउट के जरिए हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं दोनों तरफ से एक बढ़िया पैकअप रहने वाली हैं तो बात करते हैं जहाँ पे कैचर की कैचर में दोस्तों जहाँ पे हमें फिलिप्स टीम में रिमेटो खेलते हुए नजर आएंगे रिमेटो थोड़े से रिस्की रहेंगे यही रीजन है कि मैंने कैचर जहाँ पे ओपनर टीम न्यूयॉर्क जैकी में से लगाया है तो जहाँ पे संचे को ट्राई कर रखा है इनका पूरा नाम गैरी संचे आ जाता है अभी तक इन्होंने लास्ट मुकाबला खेला है जिसमें एक डबल लगाने में कामयाब रहे तो अच्छे पिकअप हमारे पास आ जाती है कैडेड के हिसाब से जरूर महंगे हैं बट दोस्तों क्रेडिट जहाँ पे मेंटेन करते हुए अगर जहाँ पे संचेप को आप ट्राई कर लेते हैं तो आपके विनिंग आज सौ पक्की होने तो भी करते हैं मेरी पूरी टीम का प्रयोग तो भाई जे है मेरी पूरी टीम एक बार आप पॉज करके भी जरूर देख लेगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो कैप्टनशी ऑप्शन है हम अरुण जज के साथ दोस्तों बॉट को ट्राई करेंगे हम कोई रिस्की प्लेयर नहीं लगाएंगे हम वही प्लेयर को कैप्टन रखेंगे जिनकी डिटेल्स हमें मालूम है तो दोस्तों जैसे कि न्यू प्लेयर हैं एन वॉकर जे रिस्की हो सकते हैं जेड व्हीलर भी रिस्की हो सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो दोस्तों जहाँ पे बढ़िया पैकअ रहेगी हेड टू हेड तो के लिए ए जज और एल बोल्ट दोनों को आप ट्राई कर लीजिएगा दोनों की हमारे पास दोस्तों रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जिसके चलते हमारे लिए दोस्तों एक सुकून रहेगा कि दोनों अच्छा परफॉर्मेंस हमें देने वाले हैं इस मैच में तो दोस्तों हेड टू हेड के लिए दोनों बढ़िया पैकअप रहेगी अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो रसेला और दोस्तों मैरियो को भी ट्राई कर सकते हैं और जी स्टॉन भी एक बढ़िया पिकअप रही ग्रैंड ली के लिए आप तीनों में से कर लीजिएगा सो so, अब हेड टू हेड के लिए अरुण जाज और एल बोट एक बढ़िया पिकअप रहने वाली है तो अभी करते हैं मेरी पूरी टीम का प्रयोग तो दोस्तों ये है मेरी पूरी टीम जहाँ पे तीन ऑल फील्डर चार इन फील्डर एक पिक्चर और एक कैचर मैंने लगा रखा है और फाइनल टीम के लिए लाइनअप और आउट होने का जरूर भेट कीजिएगा टेलीग्राम पर मैं आपको फाइनल टीम दे दूँगा जैसे ही लाइन आउट हो जाएगी थैंक यू दोस्तों